नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। समस्तीपुर में अपराधी हुए बेलगाम। सशस्त्र अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। शनिवार को दिन दहाड़े पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मुरादपुर बंगरा में सशस्त्र अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। सबसे अहम बात तो यह है कि अपराधी अपने अपराध को अंजाम देकर चलता बना। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर अपने गुस्से का इजहार किया, साथ ही पुलिस विरोधी नारे भी लगाए। मृतक की पहचान मुरादपुर बंगरा के डीह सरसेना हक के रूप में हुई है। इधर भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह मोहम्मद एजाज ने हत्याकांड की निंदा करते हुए घटना की जांच कर हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार करने अन्यथा बढ़ते हत्या अपराध के खिलाफ आंदोलन चलाने की घोषणा की। सरसाना ये चौक है, सरसाना डी चौक एनएच के किनारे, जहां पर मोहम्मद जफरुल को गोली मारकर सवेरे हत्या कर दी गई है। भाकपा माले की ओर से घटना की उच्चस्तरीय जांच कराने और जो तमाम हत्यारे हैं उनके गिरफ्तारी की मांग करते हैं। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले। कहीं अपनी काम गुणवत्ता से कर रही है, क्या कहते हैं? निश्चित तौर पर समस्तीपुर में हत्या अपराध का ग्राफ माने लगातार बढ़ा हुआ है। आज सुबह जब दवा खरीदने जा रहे थे, मोहम्मद जफरुल की बंगरा चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कराने और हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। साथ ही ताजपुर के अंदर या पूरे ज़िले में लगातार हत्या अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। हम यहां के एसपी से, जिला प्रशासन से इस प्रकार की घटना, बढ़ते हत्या अपराध पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, हत्या अपराध पर रोक नहीं लगता है, तो भाकपा माले आंदोलन चलाने को मजबूर होगी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।